Hello students, good morning. Today we will discuss about the next topic of class 10th science, and today's topic is oxidation and reduction. What is oxidation and what is reduction? So students, jab dekho aapke paas yahan par koi reactant hai, theek hai, koi reactant hai aapke paas, aur us reactant mein reactant se jab aapko wo product milega koi, उस प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन भी मिलेगी आपको, यानी कि सिंपल बोलें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन. रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीजन गेन होगी तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन गेन होगी और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है. तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे. एग्जांपल के साथ ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा. तो देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ. ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, एडिशन ऑफ या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है. इसका एग्जांपल करेंगे. जैसे मान लो कॉपर पाउडर है हमारे पास. कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर में जब हम हीट करेंगे तो हमें कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO मिलेगा. देखो यहाँ बैलेंस करती हूँ मैं, यहाँ 2 लिखती हूँ, यहाँ भी 2 लिखती हूँ. तो यहाँ पर देखो जो ये ऑक्सीजन थी ये इसके साथ ऐड होगी कॉपर के साथ, और ये जो प्रोडक्ट मिला वो क्या हुआ आपको, ऑक्सीजन का गेन हुआ. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है. या फिर हम कहें कि रिमूवल हो जाना हाइड्रोजन का, ठीक है. रिमूवल होना हाइड्रोजन का भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. जैसे मान लो यहाँ पर H2 था प्लस यहाँ पर CuO था, तो यहाँ पर देखो ये जो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, ठीक है. और ऑक्सीजन से यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होगा. ये दोनों का एग्जांपल बनेगा तब बताऊँगी. कोई एक बताती हूँ ऐसा जिसमें आपका, वो एग्जांपल बाद में लेंगे जब मैं आपको रिडक्शन भी करवा दूँगी. फिलहाल कोई सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम. कौन सा लें एग्जाम्पल, रिमूवल होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का. हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है. जब इसको हीट किया तो इससे हाइड्रोजन अलग हो गई यानी निकल गया, और जो आपका Cl2 है वो अलग होगी, यानी कि 2HCl ले लेते हैं. तो ये देखो ये हाइड्रोजन जो है ये निकल गई, क्लोरीन को छोड़ के चली गई. तो यहाँ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा आपको, जहाँ पर एडिशन होता है या गेन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा. रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन गेन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन तो हो जाएगी लॉस और गेन क्या होगा आपका हाइड्रोजन। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CuO था, ठीक है, बैलेंस करके ले लेती हूँ मैं डायरेक्ट। जब इसको हीट किया Cu आपका अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन का ये एग्जांपल है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एडिशन होगी हाइड्रोजन की, जैसे H2 है, उसी के एग्जांपल ले रही हूँ मैं, लेकिन आपको अपने भी लेने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इनको एडिशनल करेंगे तो ये 2HCl बनेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन वो होते हैं जहाँ पर एडिशन और गेन होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लॉस होता है, और रिडक्शन क्या होते हैं जहाँ हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है। तो इस तरह के आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट में कुछ एग्जांपल भी दूंगी, आपको बताने हैं उसमें से ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। ठीक है, उसके साथ एक दोनों का इकट्ठा एग्जाम्पल करवा देती हूँ जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ये पोज कर रही हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो दोनों का एग्जाम्पल था जो मैंने लिखा था, या एक और ले लेते हैं, MnO2 है ये, प्लस 4HCl, पहली बैलेंस करके लिख रही हूँ मैं, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है। अब आपको बताना है मुझे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर देखें हम तो रिडक्शन में होता क्या था, ऑक्सीजन की रिमूवल होती थी ना, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, MnO2 था, यहाँ पर देखो MnCl2 रह गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिडक्शन। क्यों बना रिडक्शन, क्योंकि यहाँ रिमूवल हो रही है ऑक्सीजन की, और जहाँ हाइड्रोजन की रिमूवल हो वो ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो हाइड्रोजन था, उधर जाके Cl रह गया सिर्फ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और भी एग्जांपल करेंगे बहुत सारे हम। ठीक है, एक और करवा लेती हूँ, ये इरेज कर रही हूँ। दोनों इकट्ठे वाला भी एक एग्जांपल करा देती हूँ, मैंने जो पहले लिखा था, CuO प्लस H2 इज गोज टू Cu प्लस H2O। ध्यान से देखो अब इसको, यहाँ पर CuO है यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पर सिर्फ कॉपर रह गया, यानी कि ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, और जहाँ ऑक्सीजन की रिमूवल होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर H2 था, उधर जाके H2O हो गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाइए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन बन गया। अब एक और एग्जांपल लो और मुझे बताओ ये क्या है। चलो मैं ये बता देती हूँ, ZnO प्लस C गोज टू Zn प्लस CO। देखो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जहाँ भी ऑक्सीजन रिमूव होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन। समझ आ गया, आगे ना समझ क्या करना है, जहां भी ऑक्सीडेशन होगी वहां पर
गेन या एडिशन क्यों है? गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल किसकी होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, अभी इसका स्क्रीनशॉट भेजें और कुछ एग्जांपल तुमने मुझे भी बताने हैं, ठीक है। थैंक यू।